हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एके फिटनेस। माय नेम इज अतुल कपूर। सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अल्कोहल एंड कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, विच वन इज बेटर। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू अ डिस्क्लेमर। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए आपको प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ, आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। इट्स टोटली योर चॉइस कि आप अल्कोहल या फिर कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। इट्स टोटली अप टू यू। मैं आपको सिर्फ एजुकेट कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, और आपको मैं दोनों के फ़ायदे बताऊँगा, दोनों के नुकसान बताऊँगा। उसके बाद यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है कि आपको कंज्यूम करना है या नहीं करना है। तो मैं चार पैरामीटर्स के ऊपर दोनों को कंपेयर करूँगा एंड देन वी कैन डिसाइड कि हमें क्या कंज्यूम करना है, क्या नहीं कंज्यूम करना है, या फिर दोनों ही कंज्यूम नहीं करने के। तो सबसे पहला पैरामीटर है टॉक्सिसिटी। तो अगर मैं बात करूँ अल्कोहल की या शराब की, अगर आप अल्कोहल को लंबे टाइम के लिए कंज्यूम करते हो इन एक्सेस, अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हो लंबे टाइम के लिए, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है, आपका जो लीवर है वो ख़राब हो सकता है, यानी कि आपके लीवर में सिरोसिस हो सकता है, आपकी किडनी का फंक्शन, आपके पैनक्रियास का फंक्शन उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, एंड फाइनली आपकी हार्ट हेल्थ ख़राब हो सकती है। एंड पैरेलली अगर मैं बात करूँ कोल्ड ड्रिंक्स की, तो कोल्ड ड्रिंक से आपका जो लीवर है फैटी लीवर हो सकता है एंड आपका वेट गेन हो सकता है, एंड ऑब्वियसली कोल्ड ड्रिंक पीने से भी आपकी हार्ट हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी, तो अल्कोहल ज़्यादा डेंजरस है इन द सेंस ऑफ टॉक्सिसिटी। दूसरा पैरामीटर है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आप जब किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हो तो उससे आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, जिससे आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकते हो, यानी कि आपको अल्टीमेटली टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है अगर आप लंबे टाइम तक कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करते हो। सो आई वुड से जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स आर मोर डेंजरस इन द सेंस ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तीसरा पॉइंट है न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशनल वैल्यू की, तो जनरली चाहे शराब है चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, किसी में भी कोई ऐसी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। बट अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो कोल्ड ड्रिंक्स में सिर्फ और सिर्फ शुगर होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आपको उससे टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। बट अगर मैं बात करूँ अल्कोहल की, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बियर है, उसमें देयर इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, एंड इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ रेड वाइन, तो रेड वाइन में एक तरह से आप यू कैन फाइंड आउट सम एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि वैसे आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छी हो सकती है, बट ओनली वो तब जब आप उसको मॉडरेशन में कंज्यूम करो। अगर आप अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो वो आपके लिए एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकती है। आई वुड से अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो बट कंज्यूम इन मॉडरेशन ओनली, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करते हो तो उसमें कुछ भी नहीं है, देयर इज ओनली शुगर, जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, आपके लिए डेंजरस हो सकती है। फोर्थ पैरामीटर है वेट गेन। तो जब हम बात करते हैं अल्कोहल की, तो एक जनरल रिकमेंडेशन है 1 to 2 ड्रिंक्स इन अ डे। अगर आप इतने ड्रिंक लेते हो डेली बेसिस पे, तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती है, तो उससे आपका वेट नहीं बढ़ता है। लेकिन वेट कब बढ़ता है, जब आप हैवी मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करते हो और उसके साथ फ्राइड स्नैक्स लेते हो, तभी आपका वेट बढ़ता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड, उसके ऑपोजिट अगर मैं देखता हूँ कोल्ड ड्रिंक्स को, तो कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा शुगर होती है। अगर मैं एक सिंपल कैन की बात करूँ, तो एक कैन में कम से कम 7 से 8 चम्मच शुगर होती है, जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकती है और जो आपका फैट लॉस का गोल है उसको इम्पैक्ट कर सकती है। सो आई वुड से अगर मैं दोनों कंपेयर करूँ, कोल्ड ड्रिंक इज़ मोर हार्मफुल इन द सेंस ऑफ वेट गेन। बट जो लोग शराब पीते हैं, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनके लिए ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूम इन मॉडरेशन, कोशिश करो कि अल्कोहल को स्किप करो, उसको मत पियो, कोल्ड ड्रिंक को भी मत पियो। कुछ भी आप पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, अल्कोहल पी रहे हो, बट इट शुड बी इन मॉडरेशन। अगर आप एक्सेस में पियोगे तो आपको नुकसान करेगा, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है चाहे वो अल्कोहल है। सो दैट इज़ माय ओपिनियन, बाकी चॉइस आपकी है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन पर प्रेस कर देना, सो दैट यू कैन गेट माई वीडियोज़ नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।